बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल omja.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर कुंभ राशि और मीन राशि के जातक किस रंग के कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी की पूजा करें जो अति उत्तम होगा, किस मंत्र का जाप करें, क्या दान करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करना भी अति शुभ होता है। और आप कोई भी रत्न, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की मालाएं, रत्न से निर्मित चीज़ें आप shivagu.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्यून और ऑथेंटिक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कुंभ राशि से। कुंभ राशि के जातक, आप दीपावली के दिन गुरु यंत्र और शनि यंत्र की स्थापना कर सकते हैं अभिमंत्रित करके, और एक वर्ष तक आप उसके नित्य पूजा करें, नित्य सुबह उठ के दर्शन करें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दीपावली की अमावस्या की रात से पहले आने वाले शनिवार से घर की पूरी साफ सफाई उसी दिन से आप शुरू कर दीजिए। जितनी फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं, कचड़े चीज़ें पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको आप घर से बाहर निकाल दें और सभी सामान को पूरा व्यवस्थित कर दें। साफ सफाई से तो ऐसे हालांकि सब राशियों पे लागू होता है, माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं। कुंभ राशि वालों का जो स्वामी हो शनिदेव हैं, तो ऐसे में दीपावली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक प्रज्वलित करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और वो भी यदि आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं। दिवाली के दिन पक्षियों को दाना डालना भी शुभ फलदायी होगा, ये तो आप दिन में कर सकते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जो लोग हैं वो काफ़ी व्यवहारिक होते हैं, बौद्धिक होते हैं, तो ग्रे रंग आपके लिए एक उचित रंग होगा, इसे खुशहाली बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का आगमन होगा। लाल या हल्का नीला भी आप धारण कर सकते हैं। माँ दुर्गा के मंदिर में आपको लाल गुलाब अर्पित करना है। आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। अब रुद्राक्ष का सवाल है, तो भाई कुंभ राशि के जातक चार मुखी, छह मुखी, सात मुखी या फिर चौदह मुखी रुद्राक्ष धारण करें, अति उत्तम रहेगा। अब हम मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातक, आप दीपावली के दिन गुरु यंत्र, शनि और मंगल यंत्र को अभिमंत्रित करके अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, और नित्य आपको रोज पूजा करना है, नित्य दर्शन करना है, इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दीपावली के दिन आप जो अखा, जो हल्दी का गांठ होता है, उसमें 11 हल्दी का गांठ पीले कपड़े में रखकर ओम वक्र तुंडाय हम, ओम वक्र तुंडाय हुम मंत्र का आप 11 माला जाप कीजिए। आप हल्दी की माला पे भी जाप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पे तो आप जाप कर ही सकते हैं। अब ये 11 हल्दी की जो गांठें हैं पीले कपड़े सहित आप तिजोरी में रख दीजिए, और यदि आप रोज वहां पे दिया चलाते हैं तो आपके व्यापार में उन्नति होगी। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। मीन राशि वाले लाल चुनरी के साथ कमल के फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें और पूजा करें। आप कुबेर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो भी आपको छोटा लगे। दिवाली पूजन में मीन राशि के लोग अगर गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं तो अच्छा रहेगा, पीला रंग का भी आप कपड़ा पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। ये जो रंग है ये तीव्र ऊर्जा के संकेत देते हैं, और इस रंग के कपड़ों में दिवाली पूजन आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। आप सिल्वर वस्त्र या रेशमी वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, तो आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। मीन राशि के जातकों को किसी गरीब या जरूरतमंद को
कंबल दान करना चाहिए पूजन करने के बाद। अभी रात का वक्त होगा तो रात के वक्त भी आप कंबल का दान कर सकते हैं। अब चूंकि रात हो जाएगा तो आप उसको टच करके अगले दिन सुबह आप इसको किसी जरूरतमंद को आप दे दीजिएगा। अब रहा रुद्राक्ष का सवाल, तो इस राशि के जातक को तीन मुखी, पांच मुखी या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। गौरी शंकर में भी यदि आप 14 मुखी गौरी शंकर धारण करते हैं तो और उत्तम होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।